overtake me if my determination to success is strong enough. Hi everyone, I welcome you all at ASTA Prakash Defense Academy. स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन जो है वो डिफेंस सर्विसेज में हो, आप चाहते हो कि आपका करियर डिफेंस सर्विस में ही बने और इसी चीज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात तो है जो आपको माननी ही होगी कि इन सर्विसेज में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल का एग्जाम भी क्वालिफाई करना होगा, GD भी आपको क्वालिफाई करना होगा, इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका फाइनल मेरिट में अगर नाम आएगा तभी आपका सिलेक्शन इन सर्विसेज में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो वो सिर्फ रिटन की प्रिपरेशन करते हैं, फिजिकल की और इंटरव्यू की तैयारी वो तब स्टार्ट करते हैं जब उनका रिटन क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो आपको शुरुआत से ही इन सभी चीजों की तैयारी करनी होगी, इन सभी चीजों के लिए उस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी जिस तरीके से आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास कई सारे बच्चे आते हैं जिनका रिटन एग्जाम निकल जाता है, फिजिकल का एग्जाम भी कुछ लोगों का निकल जाता है लेकिन उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी साइकोलॉजी में, आपकी फिजिकल में भी, आपके मेडिकल में भी। वो नेगेटिव पॉइंट्स आपको किसी भी रीजन से पता नहीं चलते, वो सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चलेंगे। जो लोग इन सर्विसेज से बिलोंग करते हैं उनकी निगरानी में या उनकी गाइडेंस में अगर आप रहेंगे तब आपको पता चलेंगे, या तो फिर आपको उन लोगों से पता चलेंगे जो इन एग्जाम्स को कई सालों से देख रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस की, तो ये भारत का सबसे बड़ा आवासीय कोचिंग सेंटर है और बच्चों को इन डिफेंस सर्विसेज की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कैंपस में ही रहते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज घर जैसी कैंपस में ही मिलती है और इसके दोनों ही डायरेक्टर इंडियन एयरफोर्स से एंड इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों को उस तरीके से गाइड करते हैं, उस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर में रह करके ट्रेनिंग ली है और बच्चों को वो सारी चीजों के लिए ट्रेनिंग देते हैं जो कि उसके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। हमारे यहाँ पे जो बच्चा है वो कैंपस में ही रहता है, उसको सारी फैसिलिटीज घर जैसी कैंपस में ही मिलती है, उसका खाना पीना रहना सारी फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है, यहाँ तक कि वो सेल्फ स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से एग्जैक्टली सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ग्रुप स्टडीज करनी चाहिए, वो सारी बातों का भी ध्यान रखता है। यहाँ पर 24 आवर्स बच्चों के साथ एक ऐसा फैकल्टी मौजूद रहता है जो बच्चों को सेल्फ स्टडी कराता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उन सभी कमियों पर मेहनत करता है जो कि बच्चों में है। सो स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि आपको कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जो कि आपको ना सिर्फ रिटन क्वालिफाई कराए बल्कि आपको अपने घर वर्दी में वापस भेजे, तो आपको आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस जरूर विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम यहाँ पर स्टूडेंट को कितना अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से डिसिप्लिन क्लासेस हमारे बच्चों को इन सर्विसेज के लायक बनाती है। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।